दोस्तों वेलकम टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2022 का रिलेटेड है। एक गवर्नमेंट कॉलेज करीब 500 प्लस पोस्ट है, सैलरी 17,000 प्लस दिया जाएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये जो जैसे ये पब्लिक सर्विस कमीशन हिमाचल प्रदेश के थ्रू द्वारा निकला है न्यू लोकेशन। ओके, सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव फॉर देयर हेल्प एंड टू एनकरेज मी लाइक एंड कमेंट। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट पे। ये देखिएगा एडवर्टाइज नंबर 8W04-2022, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 मई 2022 11:59 PM देखिएगा मिडनाइट। द क्लोजिंग डेट फॉर फीस 26 मई 2022 मिडनाइट। ओके, ये नोटिफिकेशन मिला 29/4/2022 का, ये मतलब कल इसका नोटिफिकेशन मिला, मैं आज 30 तारीख देखिएगा ये नोटिफिकेशन 29/4/2022 का। आज मैं 30/4/2022 मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी हिसाब से देख लीजिएगा। ये लास्ट डेट आपको बताया गया। ओके, ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA आर इनवाइटिंग फ्रॉम डिजरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू 39 देखिएगा टोटल 39 सीट है। 39 सीट के जो दिया गया अलग अलग कैटेगरीज के तहत बांटा गया, वो क्या पोस्ट रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के। और देखिएगा ये एक ही पैटर्न का सब जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिया गया नोटिफिकेशन, तो मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ, तो जो कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन को ओपन करके डाउनलोड करके अप्लाई कर दीजिएगा। या मैं इकोनॉमिक्स को फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, क्लास 1 गेजेटेड नो अच्छा देखिएगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आप लोगों को भी थंबनेल में भी बताया गया, ये भी बता रहा हूँ सब्जेक्ट में दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इन द पे स्केल रुपीज, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बता रहा है लेकिन उसके साथ भी पे स्केल दिया जो ऑफर कर रहा है, देखिएगा उस पे स्केल 15,600 रुपया से 39,100 रुपया रहेगा, और गेट पे 6,000 रुपया दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट एज एडमिसिबल इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश थ्रू द ORA which shall be available on the commissioner's website, that is ये जो दिया गया www.himachalpradeshpublicservicecommission.ahp.gov.in इसी में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अच्छा डेट फॉर डिटर्मिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट इन रेस्पेक्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इफ एनी ETC shall be the prescribed closing date for submission of online recruitment application ORA. The candidates must read the instruction carefully which are available on website of the commission before applying for the posts concerned. The candidate must establish their eligibility in respect of category, experience, age and essential qualifications ETC as mentioned in the advertisement by uploading copies
ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर आफ्टर द क्लोजिंग डेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द वेरियस पोस्ट्स विल बी एडमिसिबल ओनली टू द कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रेस्पेक्ट ऑफ कैटेगोरीज वाइस वर्सा देखिएगा जो एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एक्स सर्विसमैन डब्ल्यू एफ एफ एंड पर्सन विथ डिजेबिलिटीज लोकोमोटो मोटर डिजेबल अच्छा विजुअली इम्प्रीज अच्छा हेयरिंग इम्प्रेज इटीसी। तो पाँच नंबर देखिएगा कैटेगरी वंस क्लेम्ड शैल बी ट्रीटेड फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। देखिए अदर स्टेट का ये भी अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स एंड दे बेनिफिट द ऑफ रिजर्वेशन एंड फी फी कंसेशन फी कंसेशन विल नॉट बी एडमिसिबल टू द सच कैंडिडेट द कैंडिडेट शुड पोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट फॉर व्हिच ही और शी वांट टू अप्लाई ऑन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट जो दिया गया और नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच आर टेंटेटिव एंड वे इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम ये पोस्ट का इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। नंबर ऑफ सर्विस रेगुलर सर्विस कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड अनलेस ही या शी ब्रिंग एन ओ सी फ्रॉम द जो कर्मरत है तो अप्लाई का तो एन ओ सी लिख के जरूरी है। अच्छा एग्जामिनेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल जो फीस फीस भी है फीस को उसका रिफंडेबल नहीं होगा यानी सर्कमस्टेंसेस नॉर देन नॉर कैन बी फीस बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। अच्छा डिस्प्यूट इफ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिडिक्शन एट शिमला हिमाचल प्रदेश। देखिएगा ये 15 पेज का ये है पूरा पढ़ के आप लोगों को बता नहीं सकते तो इसी को हिसाब से आप लोग पढ़ ये नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो इसी हिसाब से एनओसी वगैरह जो दिया इसी को करना पड़ेगा। अभी देखिएगा नेम ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन अच्छा नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के लिए एक नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट और पे स्केल उस दिया जा रहा है जो इस हिसाब से 15,600 से 39,100 गेट पे 6,000 रुपया दिया जा रहा है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो देखिएगा ये टोटल 15 पेज का है लेकिन ये जो अलग अलग कैटेगरी दिया के शॉर्ट में दिखा रहे हैं। देखिएगा ये जो लिंक के लिए अपना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक में प्रेस करने के बाद ये आपको एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट जाइएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट में जाइएगा। ये एडवर्टाइजमेंट ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 से स्टार्ट है 29/04 ये 04 लेके चलते रहिएगा ये जो अप्रैल तक लास्ट जो चार दिखा रहे जैसे एडवर्टाइज नंबर 3/04 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ये मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स से ये इतना, ये 2022 का है, इतना तक आप लोग चलेगा। जो अब सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज को आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए तो पोस्ट डिटेल्स ये दिया गया, देने के बाद ये जो अपना अपना नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 39, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट आज पे स्केल ये देख लीजिएगा। उसके बाद इनका है ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55 मार्क्स एंड देखिएगा ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ऑफ 55% वर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इज मास्टर डिग्रीज लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ओरिजिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए ये रिलैक्सेशन ऑफ 55% प्रोवाइडेड फ्रॉम 55 to 50 मार्क्स इन द मास्टर डिग्री फॉर द एससी एसटी ओबीसी के लिए ये 5% रिलैक्सेशन दिया जाए नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% फ्रॉम 55% to 50% और मार्क इन द मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एंड विजुअली हैंडीकैप्टेड पर्सन। बाकी ये जो देख लीजिएगा उसके बाद ये रिलैक्सेशन 55% प्रोवाइडेड 55 to 55 द बेंच मार्क पी एच डी डिग्री होल्डर हु हैव पास देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू द सेप्टेम्बर 1991। 5 नंबर में बी इन द 7-point स्केल विद द लेटर गेट ए बी सी डी से एफ से सेल बी रिगेटेड तो क्वाल इक्विवेलेंट ऑफ 55 द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड 7-point स्केल डिस्प्ले ऑन द फुट नोट आज अ कैंडिडेट beside the fulfilling the above qualification should be clear in the eligibility test net or assistant professor conducted by the UGC CSIR or similar test accredited by the state public सर्विस कमीशन। उसका नेट स्लेट सेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द अवार्ड ऑफ डिग्री टू कैंडिडेट रजिस्टर ऑफ द एम फिल पी एच डी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009 शैल बी गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस एंड बीओलॉज ये सब चीज़ देख लीजिएगा। और बाकी जो ए बी सी डी ई तक देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो फूड नोट बताया गया था फूड नोट का ग्रेडिंग और ये ओ फॉर आउटस्टैंडिंग वेरी गुड ए बी गुड सी एवरेज बिलो एवरेज पोर अफेल इसी हिसाब से बाकी जो पे स्केल तो आप लोगों को बताया गया 15,500 से लेके 39,100 गेट फिर 6,000 दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन को भी आप लोग देख लीजिएगा।
एलिजिबिलिटी। बाकी देखिएगा एज, एज हम मेन मेन चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं, एज बिटवीन 18 से 45 ईयर्स, ये 18 से मेंशन द अगेंस्ट द पोस्ट ग्रेजुएट के जो, अच्छा एज कैंडिडेट, एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी काउंटेड एज 1/1/2022 के मुताबिक। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई भी आप लोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ के उसके बाद नोट वन नोट टू। अच्छा देखिएगा द डिटेल ऑफ फीस एज अंडर, ये 400 रुपया 100 रुपया नो फीस। देखिएगा फीमेल कैंडिडेट्स एक सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक सर्विसमैन हु आर रिलाइड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द नॉर्मल टेन्योर ब्लाइंड विजुअलिटी, इसको नो फीस रहेगा। और SC ST OBC के हिमाचल प्रदेश का 100 रुपया, और जनरल कैटेगरी EWS तो इनको ये WFF के लिए 400 रुपया रहेगा, ये हिमाचल का सिटीजन के लिए। और मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ये क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनल इंटरनेट बैंकिंग के आफ्टर इसी के मुताबिक हो जाए। ये बाकी रिजेक्शन एडमिशन, अच्छा एडमिशन ये जो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, रिजेक्शन में एडमिट कार्ड रिकॉल लेटर्स के बारे, नो एडमिट कार्ड और रिकॉल लेटर विल बी सेंड बाय द पोस्ट ऑन, ये इसी के आधार पे ये पढ़ लीजिएगा, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, तो इसी हिसाब से भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। स्टेज वन में स्क्रीनिंग अपनी प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट और सिलेबस, ये सिलेबस भी दिया गया, इसी सिलेबस को हम लोग फॉलो करें सब्जेक्ट वाइज। देखिए क्यों ना क्यों उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, तो जो जिस सब्जेक्ट में, क्लियरली रिपीट कर रहा हूँ, जो जिस सब्जेक्ट में देखिए उसी का नोटिफिकेशन करके, और नोटिफिकेशन को अपने तरफ से दो बार कम से कम पढ़ के उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई करिएगा। हम लोग को कम टाइम में के अंदर ये कवर करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पूरा फुलफिल नहीं बोल पाते हैं। मेन मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करके कम से कम इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, ये रिमाइंडर देने के लिए इजीली। ओके उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल होगा। ओके और वीडियो को एक लाइक्स एंड कमेंट करके मोटिवेशन बना रहे तो एनकरेज होगा, शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, काफ़ी पोस्ट है, 500+ पोस्ट है, तो थैंक यू, विजिट अगेन, जय हिंद।